अगर आपके पास ATM है तो ज़रूरी नहीं कि उसका चार्ज कटे। जी हाँ, कभी कभी गलती से भी चार्ज कट जाता है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके पास ATM है तो इसका मतलब ये नहीं कि ATM का चार्ज कटेगा ही कटेगा। अगर आपको ऐसा मैसेज आया है तो ये आप वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर वीडियो पूरा देखना, क्योंकि पूरी डिटेल बताऊँगा। बहुत सारे कार्ड ऐसे होते हैं जो फ्री होते हैं, बैंक ऑफ इंडिया फ्री इशू करती है, लेकिन सिस्टम में, जी हाँ, बैंक ऑफ इंडिया के मतलब आपके अकाउंट में सिस्टम में गलती की वजह से आपका चार्ज कट जाता है, उसको रिफंड लिया जा सकता है। किस अकाउंट पे कौन सा कार्ड फ्री है, कौन सा कार्ड पे चार्ज लगता है, चलिए पूरा देखेंगे। वीडियो पूरा देखना, जी हाँ वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना, ठीक है। आगे बढ़ो उससे पहले बता दूँ दोस्तों, जो 295 रुपये इस तरह का मैसेज आया है, इसका मतलब ये है कि ये साल में आपका चार्ज करता है ATM का। हाँ जी, कुछ ATM जो है चार्ज वाले हैं वो कटते, उसका चार्ज लिया जाता है साल का 250 रुपये प्लस 18% GST यानी 45 रुपया हुआ, 250 प्लस 45 यानी 295 रुपया चार्ज करता है, हर साल करता है। लेकिन जरूरी नहीं कि आपका चार्ज कटे, मेरा सबसे बड़ा काम आपको यह बताना है, जरूरी नहीं आपका चार्ज कटे। आगे बढ़ूं उससे पहले बता दूं, वीडियो पूरा देखना है। और काम की बार बताऊं कि अगर बैंक ऑफ इंडिया में आपका या आपके परिवार का किसी का भी अकाउंट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि छोटे बड़े मैसेज आते रहते हैं। छोटी बड़ी जानकारी के लिए हम साइकिल निकाल कर, पेट्रोल जलाकर, गाड़ी जलाकर, गर्मी सर्दी धूप बरसात में सहकर बैंक में जाते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं दोस्तों। ये सब चीज़ें बर्बाद होती है, वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो जानकारी आपको यहां मिल जाएगी वही जानकारी आपको बैंक में मिलेगी। कुछ चीजों के लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा, भीड़ जाके इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको जानकारी यहां मिलती रहेगी, अच्छी जानकारी मिलेगी, इस बार की मैं गारंटी देता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चार्ज रिवाइज हो गए हैं 1 जुलाई 2023 से, जी हाँ, जो अभी भी चालू है यही चार्ज लगता है। अब देखिए, बहुत सारे लोग होंगे यहीं पर वीडियो छोड़कर चले जाएंगे, चले जाइए, आपको कोई ज़रूरत भी नहीं है, आप देखना भी नहीं चाहते, समझना भी नहीं चाहते, सिर्फ आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं अपना भी, ठीक है, जाइए। लेकिन बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं क्योंकि आपको काम की बात बताने वाला हूँ, ये चार्ज देख कर चले मत जाइएगा। जी हाँ, इसमें से बहुत सारे हैं वो फ्री भी हैं, जी हाँ, आपको बताऊँगा कैसे। देखिए, अगर आपके पास रुपये क्लासिक कार्ड है या वीज़ा क्लासिक कार्ड है या मास्टर क्लासिक कार्ड है तो उस पर चार्ज लगेगा 250 रुपये प्लस 45 रुपया GST यानी 295 रुपया। उसी तरह आपके पास रुपये प्लेटिनम कार्ड है या वीज़ा प्लेटिनम है या मास्टर प्लेटिनम है तो उस पर लगेगा 250 रुपये प्लस GST। अगर आपके पास वीज़ा सिग्नेचर कार्ड है तो उस पर भी 250 रुपये प्लस GST 18% यानी 295 रुपये कार्ड चार्ज लगेगा। इन तीनों का चार्ज हो गया। अगर आपके पास रुपये सिलेक्ट कार्ड है, 800 रुपये प्लस GST 18% यानी करीब 950 रुपया होता है, वो लगेगा चार्ज। हाँ, आगे बढ़ो उससे पहले एक बार फिर से बता दूँ। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे बात याद आती है मैं आपको बताते चलता हूँ। अगर आप चाहते हो कि ये सब कार्ड का अलग अलग क्यों चार्ज है और अलग, तो दोस्तों इनके अलग अलग फायदे होते हैं, अलग अलग ये होते हैं, अलग अलग इसमें लिमिट होती है, किस कार्ड की कितनी लिमिट है, किस कार्ड से क्या फायदे हैं, अगर आप चाहते हो उस पर वीडियो बनाना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि मुझे इस कार्ड के बारे में पूरा बताइए, ठीक है, तो मैं पूरा बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, अगर आपके पास वीजा बिंगो कार्ड है, ये 125 रुपये प्लस 18% GST यानी 147 रुपये 50 पैसा कटेगा। उसी तरह अगर प्रीपेड कार्ड है रिलोडेड, आपका 100 रुपये प्लस GST यानी 118 रुपये कटेगा। और ट्रैवल कार्ड का तो बाई डिफॉल्ट है, मतलब जितना अमाउंट लोड करेंगे तो उस पर 1%, मतलब कम से कम 150 रुपया तो कटेगा ही कटेगा। अब आप बोलोगे कि आपने तो बोला था फ्री भी है, जी हाँ, मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर इसमें से आपके पास कोई कार्ड है और फिर भी आपका चार्ज कटा है तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्या, चलिए देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या बात ध्यान रखनी है, आपका अकाउंट अगर BSBDA में खुला हुआ है, जी हाँ BSBDA में खुला हुआ है, या प्रधानमंत्री जनधन योजना में खुला हुआ है, या जीरो बैलेंस में खुला हुआ है, तो उस पर डेबिट कार्ड जो है फ्री में इशू किया जाता है और उसका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं लगता, फ्री है। जी हाँ, आप बोलोगे ये अकाउंट कैसे खुला है या हमें कैसे पता चलेगा, तो आपका अकाउंट का नंबर, आप चाहो तो आप अकाउंट के नंबर में आपकी फर्स्ट जो सॉरी दोस्तों जो पासबुक होती है आपकी, उसके फर्स्ट पेज पर लिखा होता है आपका किस स्कीम में अकाउंट खुला हुआ है। फिर भी अगर आप इस स्कीम में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। और ये स्कीम कोड अलग अलग क्या है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, जीरो बैलेंस वाले क्या क्या होते हैं, किस स्कीम में खुला जाता है, जैसे अगर जय जवान सैलरी अकाउंट है तो वो भी उस पर भी कोई चार्ज नहीं लगता है। उसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट है या पैरामिलिट्री फोर्स के अकाउंट है तो उस पर भी चार्ज नहीं लगता है, ATM चाहे कोई भी हो। तो इस बात को ध्यान रखना है, आपके पास कौन सा ATM है उसके बारे में अगर जानकारी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।